जेके एस एस ऑनलाइन ट्यूटोरियल मैं हूं सतीश और आज हम स्टार्ट करेंगे आज के हमारे टॉप लेवल के करंट अफेयर एमसीक्यूज़ सी क्यूज विद एक्सपेक्नेशन फोर ये सुपरवाइजर एंड अदर जेके एस एग्जाम स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं एक कॉमन uh, क्वेश्चन हर बार कमेंट्स में पूछा जाता है दैट इज की सोशोलॉजी के लेक्चर्स यूट्यूब uh, पे कब अपलोड होंगे तो uh, आपको बता दूँ की यूट्यूब पे जो भी अपलोड कर रहे थे हम लोग लेक्चर दैट इज जस्ट फॉर जस्ट फॉर डेमो पर्पस आप सभी को बता दें कि पूरा कंप्लीट कोर्स यूट्यूब पे नहीं अपलोड किया जाएगा क्योंकि उसका ऑलरेडी हमारा एक पेड कोर्स चल रहा है और जब हम इसमें यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड करते हैं तो बहुत सारे बच्चों का ये भी कहना है पेड़ वालों का कि फिर क्या डिफरेंस है अगर आप वही कंटेंट आप यूट्यूब पर डालोगे तो इसीलिए हम सारा कंटेंट जो है वो अपडेट नहीं करेंगे क्लियर है तो आप लोगों से सिर्फ यही बोलूंगा कि जिन बच्चों ने अभी तक हमारा फीमेल सुपरवाइजर का पेड कोर्स ज्वाइनिंग करा ज्वाइन कर लो क्योंकि इस कोर्स में आप सबको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर किया जा रहा है और इस कोर्स में हम लोग हंड्रेड परसेंट सिलेक्शन की गारंटी जो आप बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि इस कोर्स में हम आप लोगों को पूरा कंप्लीट कोर्स दूसरा ढाई महीने के अंदर अंदर कवर करेंगे विद वीडियो लेक्चर्स नोट्स एम एंड टेस्ट सीरीज प्लस हंड्रेड परसेंट सिलेक्शन गारंटी और हंड्रेड सिलेक्शन गारंटी के पीछे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है दैट इज माय एक्सपीरियंस और हम लोगों ने जो भी कंटेंट बच्चों को करवाया है पिछले एक दो तीन साल में वो सारे का सारा एज इट इज एग्जाम में आया है सो दैट्स वाई वी नो कि हम जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे वो सारा का सारा आपको आपके फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम में देखने को मिलेगा सो so अगर अभी तक आपने हमारा को कोच्वाइनिंग करा तो ज्वाइन करने के लिए मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर सेवन डबल जीरो सिक्स डबल थ्री टू सेवन टू फोर पे जैसे आप इसमें मैसेज करेंगे आपको सिंपल लिखना सुपरवाइजर कोर्स जैसे आप सुपरवाइजर कोर्स लिखोगे कोर्स लिखने के बाद आपको वहां पे पूरी डिटेल प्लस लिंक मिल जाएंगे आपको ऐप इंस्टॉल करनी है एंड आफ्टर दैट यू कैन बाय द कोर्स फ्रॉम द ऐप ऑल राइट सो दिस वॉज द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखो आप सबको एक चीज बता दूं कि लाइफ में इस तरह की अपॉर्चुनिटीज बहुत कम आती लाइफ में इस तरह की ऑपरचुनिटीज बहुत कम आती है सो डोंट वेस्ट योर टाइम एक अच्छे जगह से पढ़िए अच्छी तरह से प्रिपेयर करिए और फाइनली जो आपका सपना है टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब और फीमेल सुपरवाइजर में सिलेक्शन का वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे क्लियर है तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का हमारा करंट अफेयर आज के करंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन है दैट इज की हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन

सुंदर को बट आपको इतना गहराई में जाने जरूरत नहीं है बस इतना समझ लो कि नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के जो न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर है अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच स्टेट हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट स्टेट टू मैप ऑल एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट बेसिकली वो रोड uh, के मतलब वो डेंजरस uh, एरियाज को बोला जाता है यहां पे सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स जो हैं वो होते हैं तो अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि मैपल ऐप है बेसिकली मैप्स के रिलेटेड ही एक ऐप है ये पूछा गया है कि कौन सी स्टेट ने मैपल ऐप के ऊपर अपनी स्टेट के सारे के सारे वो एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट जो हैं वो सारे के सारे मैप करे हैं ठीक है मार्क करे हैं कौन सी स्टेट है इंडिया की पहली ऐसी स्टेट जिसने मार्क करे अपने सारे एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट दैट इज दैट इज पंजाब ठीक है तो पंजाब जो है पहली स्टेट बनी है जिन्होंने 784 एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट्स जो हैं मेपल ऐप के ऊपर मैप करे हैं ठीक है और ये बेसिकली मैपर ऐप क्या है ये एक नेविगेशन सिस्टम है जो मैप माई इंडिया द्वारा क्रिएट या डेवलप किया गया है ठीक है अब अगर वही पे बात करें कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है पंजाब के चीफ मिनिस्टर का नाम है भगवंत मान सिंह और ये जो इनिशिएटिव लिया गया है पंजाब स्टेट द्वारा मतलब पहली स्टेट बनना टू मैप ऑल मतलब सारे के सारे जितने भी एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट हैं उन सभी को मैप करना मैपल ऐप के ऊपर ये इसलिए करा गया है बेसिकली जितने भी uh, मतलब दुर्घटना ना हो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो अवेयर uh, रहे the, uh, all that, all that sports, तो uh, सड़क सुरक्षा फोर्स द्वारा बेसिकली ये जो प्रिपरेशन है ये जो ब्लैक स्पॉट्स है वो मैपल एप के ऊपर मैप करे गए हैं क्लियर है अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि विच कंट्री हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड अ वन ईयर मोरेटोरियम मोरेटोरियम का मतलब होता है रोक लगाना क्या करना रोक लगाना ऑन फॉरन रिसर्च शिप एंटरिंग इट्स वॉट मतलब कि कौन सी कंट्री ने एक साल के लिए रोक लगा दी है किसके ऊपर अपने पानी में फॉरन शिप्स को रिसर्च करने के लिए एंटरिंग ना मिलेगी अब ठीक है तो मतलब कि जैसे आ, होता ना अपने अपने कंट्री का एक वाटर एरिया एक तो लैंड स्पेस हो गया एयर स्पेस भी होता है वाटर स्पेस भी होता है तो इसी तरह से आ, श, कौन सी कंट्री ने वन ईयर का रोक लगाया है जिसमें मतलब कोई भी अब शिप जो है वो इनके वाटर में एंटर नहीं करेगी फॉर रिसर्च ठीक है फॉरेन जो शिप्स है वो एंटर नहीं करे एंटर नहीं करेगी इनके वाटर्स पे तो इसका जो आंसर है दैट इज श्रीलंका तो श्रीलंका ने वन एयर का मोरिटोरियम जो है वो मतलब रोक लगाई है ऑन फॉरन रिसर्च शिप मतलब अब वो इनके वाटर एरिया पे एंटर नहीं कर सकते उनके ऊपर रोक लगाई है किसने श्रीलंका ने

सर्विस अथॉरिटी मतलब एन ए एल एस ए द्वारा दिया गया अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि एक फेमस क्लासिकल सिंगर जिनका नाम है प्रभा अट्री अट्री ठीक है अभी रिसेंटली ये इनकी ये पास हुए है, हुए हैं डेथ हुई है इनकी तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये किस घराना से बिलोंग करते थे ठीक है ये किस घराना से बिलोंग करते थे तो इनका जो आंसर है दैट इज किराना घराना ठीक है किससे बिलोंग करते हैं किराना गिराना से ये बिलोंग करते थे अब बेसिकली ये रिनॉन्ड क्लासिकल सिंगर हैं और इसी के साथ साथ ये पद्म विभूषण अवार्डी भी हैं और 92 टू एज की एज में इनका जो है वो ध्यान अभी हुआ है और ये एसोसिएट थे किराना गिराना के साथ जो कि हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक का पार्ट है ठीक है अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज द मोस्ट कॉमनली इफेक्टेड बाय क्रोन्स डिजीज ठीक है बॉडी का कौन सा ऐसा पार्ट है जो क्रोन डिजीज के साथ ज्यादातर खास तौर पे आ, इफेक्ट होता है अब ये क्रोन डिजीज बेसिकली किस टाइप की डिजीज होती है इन्फ्लोमेट्री बाउल डिजीज मतलब वो जो होता है ना एक आ, म, आ, मतलब बॉडी में थोड़ा जलन टाइप का या

Uh, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने एनुअल स्टेटस जो है एजुकेशनल रिपोर्ट एजुकेशन रिपोर्ट का जो एनुअल स्टेटस है वो किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज करा है ये क्वेश्चन में पूछा गया है है तो इसका जो आंसर दैट इज एनजीओ प्रथम फाउंडेशन ने ये बेसिकली एनुअल स्टेटस जो है एजुकेशन रिपोर्ट का रिलीज करा है जिसका टाइटल है बियॉन्ड बेसिस ठीक है बियॉन्ड बेसिस जो है वो एक एनुअल स्टेटस है एजुकेशन रिपोर्ट का जिसे प्रथम फाउंडेशन ने लॉन्च रिलीज जो है वो किया है क्लियर अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच क्रिकेटर फ्रॉम ओडिशा बैंड फॉर टू इयर्स बाय बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया मतलब बीसीसीआई द्वारा किस, किस क्रिकेटर को उड़ीसा के किस क्रिकेटर को बैन करा है अगले दो साल के लिए तो इसका जो आंसर है दैट इज सुमित शर्मा क्या आंसर है सुमित शर्मा ये सुमित शर्मा बेसिकली उड़ीसा के एक आ, क्रिकेटर हैं उड़ीसा स्टेट के क्रिकेटर हैं और इन्हें बैन किया गया दो साल के लिए क्यों बैन किया गया क्योंकि इन्होंने मल्टीपल बर्थ सर्टिफिकेट जो थे वो इन्होंने वहां शो करे सो दैट्स वाई बी ने इस इनके ऊपर दो साल का जो बैन है वो लगाया अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए डिड यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर अनुराग ठाकुर कौन है स्पोर्ट्स मिनिस्टर है अब इन्होंने बीच गेम्स जो है, वो इनैगुरट करी है क्वेश्चन में पूछा गया है ये जो बीच गेम्स हैं ठीक है ठीके? ये अनुराग ठाकुर ने कहा पे इनेगरेट करी है ठीक है तो इसका जो आंसर है दैट इज दैट इज गोगला बीच अब ये कहाँ पे ये दीयू में है ठीक है यूनियन टेरिटरी ऑफ दियो में ये बीच है बेसिकली दीप बीच सॉरी तो वहां पे अनुराग ठाकुर जो कि यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर है इन्होंने वहां पे बीच गेम्स जो है वो इनागोरेट करी है क्लियर है अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए अकॉर्डिंग टू 2024 हैंडलेस पासपोर्ट इंडेक्स बताइए इंडिया का रैंक क्या है क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं और इसका क्वेश्चन का आंसर करोगे आप लोग इन द कमेंट सेक्शन ऑल एंड आई होप कि आप लोगों को जो भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं आप अच्छे से पढ़ोगे एंड वन मोर थिंग दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रक्स ऑफ द होल करंट अफेयर ठीक है तो मैं जो भी चीज़ें आपके साथ कहता हूँ ये बिल्कुल निचोड़ होता है एंड आई नो कि आप लोग इसे दिल से करोगे एंड यू विल गेट अ गुड मार्क इन योर एग्जामिनेशन सो माय डियर हम लोग खत्म करते हैं आज का लेक्चर यहाँ पे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में और जिन बच्चों ने अभी तक हमारा फीमेल सुपरवाइजर का को कोर्स ज्वाइन नहीं करा मैं इनको सिर्फ इतना बोलूंगा कि आपको लगता है कि मंजिल पाने के लिए भी बहुत टाइम है तो सिर्फ इतना बोलूंगा कि वक्त बहुत जल्दी निकल जाता हाथ से सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू होल्ड अ हैंड ऑफ समवन हु ऑलरेडी हैव अ लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस इज फील्ड मीन आई एम टॉकिंग अबाउट माई और ऑन पेड कोर्स अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं यू विल गेट बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट एंड विल अशोर यू दैट यू विल गेट सिलेक्शन एट इन दिस फेमस सुपरवाइज एग्जाम ऑल राइट सो ज्वाइन करने के लिए एज आई यू अलो दैट आपको मैसेज करना मेरे व्हाट्सएप नंबर सेवन डबल जीरो सिक्स डबल थ्री टू सेवन एंड टू फोर पे आफ्टर मैसेज uh, आपको सिर्फ लिखना है सुपरवाइजर कोर्स क्या लिखना आपको सुपरवाइजर कोर्स जैसे आप सुपरवाइजर कोर्स लिखेंगे आपको सारी डिटेल जो है वो मिल जाएगी ऑल द बेस्ट गाइज थैंक यू सो मच टेक केयर बाय बाय